अगर पेट्रोल भरवाते वक्त मीटर देखकर आपका गला सूख जाता है, सब्जी खरीदते वक्त वॉलेट हल्का हो जाता है, नींबू के दाम देखकर आपने शिकंजी पीना छोड़ दिया है और महीने का दूध का बिल देखकर आपके शरीर में प्रोटीन अपने आप कम हो जा रहा है और महंगाई पर चर्चा करते करते ही आपकी सैलरी टाटा बाय बाय बोल देती है, तो अभी आपका दुख मेरे दोस्त कम नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार को आपकी जरूरत की कई चीजों के दाम अभी भी कम लग रहे हैं, जिन्हें बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम या अप्रत्यक्ष करों की गवर्निंग बॉडी जीएसटी काउंसिल ने 143 सामानों के दाम बढ़ाने के लिए राज्यों से सलाह मांगी है। इन 143 में से 92% सामानों को 18% टैक्स स्लैब से निकालकर 28% टैक्स स्लैब में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। अब जो सामान महंगे हो सकते हैं, उनमें ज्यादातर चीजें आपके खाने की थाली से लेकर कपड़ों की अलमारी से जुड़ी है। मसलन अगर खाने के सामानों की बात करें तो पापड़, गुड़, कस्टर्ड पाउडर, अखरोट, च्युइंगम, चॉकलेट और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा कपड़े, चमड़े से बने कपड़े, चश्मे, गॉगल्स, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, सूटकेस महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर बनवा रहे हैं या दोबारा फर्निश कराने की सोच रहे हैं तो भी आपकी जेब खाली हो सकती है, क्योंकि सिरेमिक सिंक्स, वॉश बेसिन भी महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा 32 इंच से कम की टीवी भी महंगी होने के आसार हैं। खबर के मुताबिक जिन सामानों के दाम नवंबर 2017 और दिसंबर 2018 की मीटिंग में कम किए गए थे, अब उन्हें बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। परफ्यूम्स, लेदर के कपड़े और सामान, चॉकलेट, कोको पाउडर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पटाखे, फर्श कवर करने वाले प्लास्टिक, लैंप्स, साउंड रिकॉर्ड करने के सामान के दाम नवंबर 2017 की गुवाहाटी की मीटिंग में कम किए गए थे। ऐसे ही टीवी, 32 इंच से कम का मॉनिटर, डिजिटल और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, पावर बैंक्स के दाम दिसंबर 2018 की मीटिंग में कम किए गए थे, जो अब बढ़ाए जा सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक गुड़ और पापड़ पर अब तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब इन्हें 5% टैक्स स्लैब में शामिल किया जाएगा। ऐसे ही अखरोट पर 5% से बढ़ाकर 12%, कस्टर्ड पाउडर पर 5% से बढ़ाकर 18% और लकड़ी के कुछ सामानों पर 12% से बढ़ाकर 18% टैक्स लगाया जा सकता है। लेदर के सामान, घड़ियां, रेजर्स, चॉकलेट, वेफर्स, कोको पाउडर, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, हैंडबैग्स, अब इन्हें लग्जरी सामानों की श्रेणी में गिना जाएगा। अब इन पर 28% टैक्स लगाया जा सकता है। इसके अलावा घर बनाने के सामान, सिरेमिक सिंक्स, वॉश बेसिन, प्लाईवुड, दरवाजे, खिड़कियां, बिजली के सामान जैसे स्विच और सॉकेट पर भी 28% कर लगाया जा सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि टैक्स की दरों में बदलाव के लिए राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जहां मैन्युफैक्चर करने वालों ने दरों में कटौती के बावजूद आम लोगों को फायदा पहुंचाने नहीं दिया। ऐसे सामानों पर कुछ उलटफेर देखा जा सकता है, लेकिन सामान्य जरूरत की चीजों पर टैक्स व्यवस्था वैसी ही बनी रहेगी। फिलहाल महंगाई से लोगों की हालत खस्ता है। थोक महंगाई मार्च 2022 में 14.55% रही, जबकि खुदरा महंगाई पिछले 17 महीनों में 6.95% के साथ सबसे ऊंचे स्तर पर दर्ज की गई। इधर सरकार का जीएसटी कलेक्शन तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 2022 में 1.42 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन दर्ज हुआ, जो कि मार्च 2021 के कलेक्शन से 14.7% ज्यादा है, जबकि 2020 के कलेक्शन से 45.6% ज्यादा है। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।